फ्रेंड्स, बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम बॉइल्ड पोटैटोज ले लेंगे, जिनको मैंने थोड़ी देर फ्रिज में रखा है 1-2 घंटे, ताकि इनका मॉइस्चर कम हो जाए। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। और इसको पील करके ग्रेट कर लेंगे। टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में लेंगे ऑयल, करेंगे जीरा, थोड़ी सी हल्दी, ऐड करेंगे ग्रेटेड पोटैटोस, इसके साथ ही ऐड करेंगे बॉइल्ड पीस, फाइनली चॉप्ड कैरेट। इस सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ साथ मैश करते जाएंगे, ताकि पीस मैश हो जाएं अच्छे से, आलूओं के साथ मिक्स हो जाएं। और अब ऐड करेंगे नमक, जैसे कि नमक डालते ही पोटैटोज ने अपना मॉइस्चर रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब इसी स्टेज पर हम डालेंगे सोप पोहा, टिक्की को क्रिस्पनेस भी देगा और बाइंडिंग का काम करेगा। इस सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम ऐड करेंगे बाकी के स्पाइसेस। इसके लिए मैं डालूंगी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला और ऐड करेंगे चाट मसाला, हरा धनिया। इस सब को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्सचर रेडी है, फ्लेम ऑफ करेंगे। जैसे कि मिक्सचर ठंडा हो गया, अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश ब्रेड क्रम्स। मैंने 3 टेबलस्पून लिए हैं 2 ब्रेड स्लाइसेस के। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। टिक्की का मिक्सचर रेडी हो गया। टिक्की बनाने के लिए हम मटेरियल में से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, हमारे बर्गर की साइज जितनी टिक्की बनानी है हमें। इसको अच्छे से राउंड शेप देंगे तो हम ऐसे कर लेंगे, ताकि इसके एजेस अच्छे हो जाएं। इस साइज की पैटी हमें रेडी करनी है। क्रिस्पी बनाने के लिए हम एक बैटर रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 2 टीस्पून मैदा, 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। इसमें ऐड करेंगे नमक, थोड़ा सा सॉल्ट और एक थिन बैटर रेडी करेंगे। अब हम इस पैटी को स्लरी में डिप करेंगे। कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स की। तो ये अच्छे से कोट हो गया। इसको एक साइड पे रख देंगे। ऐसे ही हम अपनी दूसरी टिक्की को भी करेंगे। सॉस बनाने के लिए मैंने लिया है 2 टीस्पून मेयोनीज, और इसमें ऐड करूंगी मैं 2 टीस्पून पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, जिससे ये थोड़ा स्पाइसी भी रहेगा और स्वीट भी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारी स्पाइसी स्वीट टैंगी सॉस रेडी है। तो अब हम अपनी पैटी फ्राई कर लेते हैं। जैसे कि ऑयल गर्म हो गया, अब हम टिक्की फ्राई कर लेंगे। टिक्की रेडी हो गई है, अब इसको निकाल लेते हैं।
बहुत ही क्रिस्पी बनी है। अब हम बन को सेंटर से कट करेंगे, बटर लगाकर हल्का सा रोस्ट करेंगे। इसको हमें बहुत क्रिस्प नहीं करना है। सब कुछ रेडी है, अब चलते हैं लास्ट स्टेप की ओर। अब हम करेंगे बर्गर की असेंबलिंग। इसके लिए हम सबसे पहले लगाएंगे सॉस, स्लीव, ऐड करेंगे चीज, क्रिस्पी पैटी, अनियन स्लाइसेस, इस पर लगाएंगे प्लेन मेयोनीज, बर्गर रेडी है।